ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन है। जहाँ तक फ्लाइंग मशीन्स की बात है, एंटोनोव जैसी फ्लाइंग मशीन और कोई भी नहीं है। मैंने सोचा कि आखिर ये कैसे हो सकता है, एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा विंग, ये चीज कैसे उड़ सकती है। दी एंटोनोव AN-225 अनोखा है। इसने 200 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं और इसके चाहने वाले दुनिया भर में फैले हुए हैं। इसका क्रेज इतना ज्यादा है कि लोग एंटोनोव को टेक ऑफ और लैंड करते हुए देखने आते हैं। ये एयरक्राफ्ट बहुत बड़ा है, इसके सामने बोइंग 747 भी छोटा है। 705 टन के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ ये इतना भारी है कि लगता है ये साइंस के सिद्धांतों के खिलाफ उड़ रहा है। तो वो कौन सी बेमिसाल इंजीनियरिंग है जो इसे उड़ाती है, ये जानने के लिए हमें इसके अंदर झांकना होगा। मॉन्स्टर प्लेन, जॉइंट एंटोनोव AN-225 अपनी तरह का अकेला कार्गो प्लेन है। इसका काम दुनिया के सबसे भारी एयर फ्रेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। AN-225 में हाइड्रोलिक्स की बहुत ज्यादा अहमियत है। हवा में ये प्लेन किस तरह उड़ेगा, ये उन्हीं के एक फंक्शन पर निर्भर करता है। छोटे प्लेन्स में कंट्रोल सर्फेसेस जैसे कि विंग्स पर एलरॉन्स कॉकपिट से फिजिकली जुड़े होते हैं। लीवर्स कंट्रोल सर्फेसेस तक पायलट की कमांड्स को मैकेनिकली ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन AN-225 में ये सब मुमकिन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कंट्रोल सर्फेसेस बहुत बड़े हैं। अगर आप एक हरिकेन हवा के खिलाफ डोर खोलने के लिए जो जरूरी ताकत चाहिए उसके बारे में सोचें, तो आप उन ताकतों को समझ पाएंगे जो इनकी सतह को हिलाने के लिए चाहिए होती हैं। इसके सॉल्यूशन को फ्लाई बाय वायर सिस्टम कहते हैं। इसका कमाल ये है कि इससे पायलट को फ्लैप्स के साथ किसी तरह के मैकेनिकल लिंक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। फ्लाई बाय वायर सिस्टम आपके लिए इनेबल करता है कॉकपिट को, साथ ही कॉकपिट के कंट्रोल्स को, जो उन एक्चुएटर्स के साथ इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट होते हैं, जो टर्न करते हैं कंट्रोल सर्फेसेस को। कॉकपिट के पीछे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। जब पायलट कंट्रोल्स को ऑपरेट करता है, इंस्ट्रक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस होती है और फिर उन्हें हाइड्रोलिक लाइन्स से भेज दिया जाता है। ये फ्लूइड से भरी पाइप्स पावरफुल हाइड्रोलिक पिस्टन से जुड़ी होती हैं, जिन्हें एक्चुएटर्स कहते हैं। यही वो फोर्स डिलीवर करते हैं जो बड़े कंट्रोल सर्फेसेस को हिलाने के लिए चाहिए होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम पास्कल्स प्रिंसिपल का फायदा उठाता है, जहां पर पायलट एक रिलेटिवली स्मॉल फोर्स डालकर उसे लंबी दूरियों तक ढकेल सकता है, जो वो करता है हाइड्रोलिक सिस्टम से, जो एक बड़ी फोर्स में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन कम दूरी के लिए, लगभग वैसे ही जैसे एक लिफ्ट।